बाड़मेर शहर के हाईस्कूल रोड सुमेर गौशाला के पीछे एक सूने रहवासी मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दरअसल परिवार के लोग बाहर थे और पीछे मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मकान में धुआं निकलता देख आस पड़ोस के लोगों ने घर में प्रवेश किया और पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग से मकान में रखा फ्रिज, टीवी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम और अन्य सामान जल गया। फायर ब्रिगेड के आने से पहले लोगों ने आग पर काबू पा लिया। बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित MBCPG गर्ल्स कॉलेज के पास नंदकिशोर मांगीलाल महेश्वरी नामक व्यक्ति के घर में रविवार को अचानक आग लग गई। इसके बाद घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देख पड़ोसियों ने घटना की जानकारी मकान मालिक को दी। घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर में रखा काफी सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने की वजह से पीड़ित नंद किशोर को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित नंद किशोर घटना से कुछ देर पहले अपने रिश्तेदार के यहाँ आयोजन में शरीक होने गया था। उनके वहाँ जाने के थोड़ी देर बाद ही पड़ोसियों ने देखा कि घर में काफी तेज धुआं निकल रहा है। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। इसी दौरान नंद किशोर वापस अपने घर पहुंचे।